सीआरटी पुलिस और थाना सेक्टर 63 की संयुक्त कार्रवाई में एक यूएस सिटीजन से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ। इसमें टोटल 76 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इसमें 4 जो मुख्य संचालक हैं इस कॉल सेंटर के उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की। इसमें टोटल 76 में 9 महिलाएं हैं और अन्य पुरुष शामिल हैं। इन लोगों का मेन मॉडस ऑपरेंडी यह रहता था कि पहले ये लोग पैसे देकर ईमेल ब्लास्टिंग करवाते थे। ईमेल ब्लास्टिंग का मतलब होता है कि ये लोग 10,000 लोगों को एक साथ ईमेल कराते थे और उसका ये लोग फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर पर्सन को देते थे। ईमेल ब्लास्ट होने के बाद जब उसमें बग का मैसेज लिख के आता था, यानी कि जब यूजर्स को पता लगता था कि उनके कंप्यूटर में कोई समस्या है और जब उस लिंक पर क्लिक करते थे तो एक ब्लू कलर की स्क्रीन आ जाती थी और स्क्रीन पर लिख के आता था कि कृपया इन नंबरों को कॉल करें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए। जब यूएस के सिटीजन इस नंबर पर कॉल करते थे तो कॉल इस कॉल सेंटर पर लैंड होती थी जहां पर दबिश दी गई और जिन लोगों को अरेस्ट किया गया। जब ये लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट के रिप्रेजेंटेटिव होकर ये लोग बग दूर करते थे तो उन लोगों का रिमोट एक्सेस ले देते थे और उनके द्वारा जनरली $99 के मल्टीपल्स में ये लोग पेमेंट रिसीव कर लेते थे। ये पेमेंट जनरली ये लोग गिफ्ट कार्ड के माध्यम से रिसीव करते थे और ये लोग मंडे टू फ्राइडे रात में लगभग 8 बजे से लेकर सुबह तक जो यूएस की टाइमिंग होते थे उस हिसाब से ये लोग काम करते थे और उस टाइम पे ये लोग जो बग का मेल करने के बाद जो कॉल रिसीव होती थी उस कॉल को रिसीव करते थे। इन सब लोगों की सैलरी लगभग 15 से लेकर 25 से 30 हज़ार के बीच थी और उसके अलावा ये लोग जिस पर्सन के साथ फ्रॉड कमिट कर लेते थे ये लोग उनके साथ उसका इनको इंसेंटिव भी मिलता था। इसके अलावा इन लोगों के पास से कुछ यूएस बैंक्स की फर्जी अकाउंट्स की चेक भी बरामद हुई है और ये लोग कई बार चेक यूजर्स को दिखाकर विक्टिम्स को दिखाकर उनसे पैसे कैश भी करा लेते हैं। इनके पास से और भी कुछ यूएस के सिटीजन्स के डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं जो फोर्स्ड हैं और हम लोग उसकी भी आगे जानकारी कर रहे हैं। इस मामले में हम लोग यूएस एम्बेसी को भी सूचना देंगे और वो भी अपने साथ से इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, डेटा प्राइवेसी एक बड़ा फैक्टर है, उसमें डेटा कहाँ से मिलता था, क्या वैसे लोग भी कुछ चिन्हित किए उनको भी पकड़ा? इन लोगों ने एक यूएस सिटीजन का नाम लिया जिनसे ये लोग जो डाक पर से डेटा कलेक्ट करता था और जिसको ये लोग बिटकॉइन में पेमेंट करते थे और बिटकॉइन के बाद वो ईमेल ब्लास्टिंग करवाता था। तो हम लोग ने उस पर्सन को भी अपनी गिरफ्तारी का पार्टी। अब तक कितने ठगी कर चुके हैं ये लोग? लाखों रुपए की ठगी, करोड़ों रुपए की ठगी अब तक लोगों के साथ कर चुके हैं। इसके जो मेन मास्टरमाइंड्स हैं जिसका नाम करुणाल रे है, सादिक है, सौरभ राजपूत है, ये लोग मूल रूप से गुजरात के पास के रहने वाले हैं और पहले भी गुजरात पुलिस के द्वारा भी इसी तरह के अपराधों में ये लोग जेल जाते हैं। इन लोगों ने हायरिंग कहां से की? जो 74-75 लोग, ये जो 74-75 लोग इन्होंने हायर कर रखे थे, ये लोग इन्होंने अलग अलग जगह से हायर किए थे, परंतु ये लोग ऐसे लोग को हायर करते थे जिनका बात करने का एसेंट, बात करने का तरीका थोड़ा यूएस सिटीजन या अमेरिकन एसेंट में। कितने लोगों को ठग चुके होंगे लगभग ये लोग? अब तक सैकड़ों हजारों लोगों ने। सब कब से चल रहा कॉल सेंटर ये? यहाँ पे करीब 1-1.5 महीने से चल रहा है। इसमें कोई आरोपी ऐसा भी है जो विदेश में पढ़ाई करके आया है? इसमें ये लोग जो पेमेंट्स देते थे वो कैश कार्ड के माध्यम से लेते थे और कैश कार्ड अपने इन कैश कराने के लिए लोग हवाला एजेंट्स के माध्यम से जो यूएस डॉलर में लोग कैश कार्ड को कैश कराते थे और उसके बाद हवाला के माध्यम से लोग इंडियन रुपीज में पेमेंट लेते थे। तो ये हवाला वाले एंगल पे जांच? बिल्कुल, हवाला में भी हम लोगों के पास इनके कई लोगों के कमे कॉन्टैक्ट और फोन नंबर मिले हैं। इनमें से कोई आरोपी ऐसा भी है जिसने विदेश में पढ़ाई की हो? हाँ, इसमें भी ऐसे भी हम लोग को पूछताछ में ऐसा तथ्य भी आया जिसपे आगे जांच चल रही है। चाइना का भी इस बारे में भी जांच चल रही है।